हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने आजाद भारत का सबसे बड़ा फैसला सुना दिया है। सत्तर साल के इंतजार के बाद आखिरकार फैसला रामलला के पक्ष में आया। अब तय हो गया है कि मंदिर वहीं बनेगा जिसे हिंदू भगवान राम की जन्मभूमि मानते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 40 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए विवादित रही 2.77 एकड़ जमीन पर मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय पीठ ने विवादित जमीन को रामलला विराजमान के नाम करने का निर्णय किया। संविधान पीठ ने एक सुर में यह फैसला सुनाया। अब विवादित रही जमीन पर सिर्फ राम मंदिर बनेगा। मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को कहीं और 5 एकड़ की जमीन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है 4 बिंदुओं पे दिया है। हिंदुओं के पक्ष पे हमारा पोजीशन माना गया आउटर और इनर कोर्टयार्ड पे। जो ट्रेवलर्स आए थे उनके अकाउंट को सुप्रीम कोर्ट ने तवज्जो दी है। इसके अलावा जो वहां पे एएसआई के 14 कसौटी के पिलर मिले गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने तवज्जो दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी वहां पे बिलीफ है, आस्था है, फेथ है, हम वहां पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत अहम फैक्टर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवादित रही जमीन की तस्वीर अब क्या होगी वो देख लीजिए। इस स्केच को गौर से देखिए। अयोध्या की जिस 2.77 एकड़ जमीन पर इतनी लंबी कानूनी लड़ाई चली ये उसकी प्रतीकात्मक तस्वीर है। ये पूरी जमीन अब रामलला विराजमान को दे दी गई है। ना तो निर्मोही अखाड़े के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने माना और ना ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दावेदारी को देश की सबसे बड़ी अदालत ने सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित रही जमीन का पूरा हिस्सा रामलला के नाम कर दिया। 2.77 एकड़ जमीन के हिस्से में इस वक्त रामलला की मूर्ति टाट में विराजमान है। उसके साथ ही सीता रसोई और राम चबूतरे के साथ ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दावेदारी वाले पूरे हिस्से पर अब रामलला विराजमान का अधिकार होगा। अब इस पूरी जमीन पर राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान को मालिकाना हक देने के साथ ये भी माना कि देवता एक कानूनी व्यक्ति हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में होने से जुड़ी हिंदुओं की आस्था और उनका विश्वास निर्विवाद है। आज का सबसे ऐतिहासिक और सुखद क्षण इस देश के इतिहास में 9/11 अमर हो गया। जो हिंदू का नारा था से 30 साल पहले हमने लगाया था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, उस कसम को पूरा करने का समय आ गया है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उनको धन्यवाद दूं कि उन्होंने एक ऐसा का फैसला दिया है जिससे कोई ये नहीं कह सकता कि वो फैसला किसी के खिलाफ या किसी माफिक है। देश की संप्रभुता, देश की एकता, देश की अखंडता और जो देश का कल्चर हेरिटेज है उसको उन्होंने प्रिजर्व किया है। यहाँ 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को याद करना भी जरूरी है जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित रही 2.77 एकड़ जमीन को कुल 3 हिस्सों में बांट दिया था। एक तिहाई जमीन पर जिस जगह पर रामलला की मूर्ति टेंट में है हाईकोर्ट ने वो जमीन रामलला के नाम की थी। जमीन का एक तिहाई हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया था। इसमें सीता रसोई और राम चबूतरा शामिल था। बाकी एक तिहाई हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सौंपने का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दावेदारी खत्म कर दी है, यानी पूरी की पूरी जमीन पर राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस देश की जनभावना, आस्था एवं श्रद्धा को न्याय देने वाले निर्णय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वागत करता है। दशकों तक चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद
यह विधि सम्मत अंतिम निर्णय हुआ है। इस लंबी प्रक्रिया में श्री राम जन्मभूमि से संबंधित सभी पहलुओं का बारीकी से विचार हुआ है। सभी पक्षों के द्वारा अपने अपने दृष्टिकोण से रखे हुए तर्कों का मूल्यांकन हुआ। अब इस जगह पर सिर्फ राम मंदिर बनेगा, मस्जिद दूसरी जगह बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन के आसपास की अधिग्रहित की गई जमीन को लेकर कहा है कि ये फिलहाल रिसीवर के पास रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के अध्यक्ष चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 2-2 कहा कि मुस्लिम पक्ष सुनवाई के दौरान ये साबित नहीं कर पाया कि उनके पास जमीन का मालिकाना हक था।